तो कुछ दिन पहले मैंने जावा एडिशन का वीडियो डाला था, उसमें लोग मेरे को कमेंट करके बोलने लगे भाई पॉकेट एडिशन का वीडियो ला। उसके बाद मैंने पॉकेट एडिशन का भी वीडियो डाल दिया, देन मेरे को उसमें लोग कमेंट करके बोलने लगे भाई जावा एडिशन का वीडियो लाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और भाई मैं यही सब सोच के पागल हो जा रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने सोचा भाई ये सब छोड़ा IIT करते और मैं कूद जाता हूँ एक बड़े से पहाड़ से। बट सैडली गाइज यहाँ पे मेरा नसीब नहीं चलता और मैं कूद जाता हूँ पानी के ऊपर। लेकिन पानी में मेरे को एक चेस्ट दिख जाता है जिसमें मेरे को एक बुक मिल जाता है IIT करने के लिए। तो मैं वो बुक लेके बाहर आ जाता हूँ और उस बुक में ऐसा चीज लिखा था ना क्या ही बोलू। उस बुक में लिखा था आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। तो मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे वन एंड ओनली द टमाटर बाबा के पास जाना है, वही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस थोड़ा सा। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिस्पॉन पे दबाऊंगा मैं सीधे उनके पास पहुंच जाऊंगा। ओके गाइस, तो शायद मैं यहाँ पे टमाटर बाबा के पास पहुंच चुका हूँ और शायद यही है टमाटर बाबा। हेलो टमाटर बाबा, कैसे हो? अरे कुछ रिप्लाई तो दो भाई, ये तो बड़े घमंडी है। ओके यहाँ पे कुछ लिखा है, वेट, बाबा अंधे हैं और इस साइड में लिखा है ओनली टॉकिंग्स विद गर्ल्स। भाई लड़कियों को ताड़ते ताड़ते इनकी आंख फूट गई, फिर भी भाई इनको सुधारना थोड़ी है। बट मेरे पे एक बहुत ही मस्त आइडिया है, ये अंधे है ना उसका ही फायदा उठाएंगे हम लोग। टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार। बाबा मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मेरे को पॉकेट एडिशन खेलना चाहिए और उसकी वीडियोस बनाने चाहिए या जावा एडिशन खेलना चाहिए और उसकी वीडियोस बनाने चाहिए, प्लीज मेरा समाधान कीजिए बाबा। देखो बेटा तुमको तो दोनों खेलने चाहिए और तुम दोनों खेलो और दोनों वीडियोस बनाओ। ओके बाबा जैसा आप कहें, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैंने लड़की की आवाज में बात करके इनको तो बड़ी ही इजीली मूर्ख बना दिया और ये मेरी ही रियल वॉइस थी, लेकिन ये हो पाया है हिट पॉप वॉइस चेंजर की मदद से। ओके गाइस, तो ये हिट पॉप वॉइस चेंजर और इसकी मदद से आप लोग अपने वीडियोस वगैरह काफी सारे डिफरेंट वॉइसेस में बना सकते हो। यहाँ पे आप लोग को काफी सारे डिफरेंट वॉइसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप लोग को जो भी पसंद हो आप लोग को बस उस पर क्लिक कर देना रहता है। जैसे कि लाइक अगर मैं यहाँ पे इसका यूज आप लोग अपने वीडियोस में भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोग को किसी दोस्त के साथ प्रैंक वगैरह करना है तो आप लोग उसके साथ प्रैंक भी कर सकते हो, वो बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाएगा कि ये लड़की की वॉइस है या लड़के की। एंड यहाँ पे आप लोग को एक और ऑप्शन मिलता है AI वॉइस करके, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग को अपने ऑडियो फाइल इम्पोर्ट कर देनी है। देन आप लोग अपने ऑडियो को नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क और यहाँ पे रोनाल्डो के वॉइस में भी चेंज कर सकते हो। एंड उसके नीचे हम लोग को एक और ऑप्शन मिलता है AI म्यूजिक का, तो उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग को एक टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक बढ़िया सा सॉन्ग बना के आप लोग को दे देगी। ओके तो अगर आप लोग को भी ये हिट पॉप वॉइस चेंजर यूज करना है तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जाओ फटाफट से डाउनलोड करो और मजे लो डिफरेंट वॉइसेस का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ब्लेज किंगडम। तो गाइज अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। अबे भाई एक तो इसको चैन नहीं है भाई। तो गाइज इस हड्डी के ढांचे को तो और कुछ काम नहीं है। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरा सारा सामान गया कहाँ पे, तो इसके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी है। तो गाइज मैं ऑफलाइन में केव एक्सप्लोर करने गया था थोड़ा बहुत, देन मैं वहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड भी लेके आया था। बट मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर के ऐसे ही छोड़ देता हूँ और चला जाता हूँ खाने, और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं मरा पड़ा था और यहाँ पे मेरा सारा सामान भी डिस्पॉन हो गया था। और इसीलिए मेरे पास अभी कोई भी सामान नहीं है, बस चेस्ट में ही थोड़ा बहुत आयरन पड़ा हुआ है, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत आयरन के आर्मर और टूल्स बना लूंगा। एंड हाँ, आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर और अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर भी बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। यहाँ पे हमारा पिकेक्स रेडी है एंड यहाँ पे हमारा एक्स भी रेडी है एंड यहाँ पे हमारा स्वॉर्ड भी रेडी है। एंड अब बस हम लोग को थोड़ा बहुत आर्मर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना आर्मर के हम लोग केव में नहीं जा सकते। A few moments later. यार यहाँ पे हेलमेट बनाने के लिए एक आयरन कम पड़ गया, लिटरली भाई एक आयरन। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बकेट बना लेता हूँ, हेलमेट नहीं बनेगा तो बकेट ही सही भाई। कोई ना गाइज, यहाँ पे हम लोग फुल्ली आयरन के आर्मर में तो कवर नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोबारा से आयरन आर्मर में कवर हो ही चुके हैं थोड़ा बहुत। तो ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं विलेज आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा विलेज आने का रीजन था, यहाँ पे मेरे को
खाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे विलेजर कहाँ गया भाई? ये जो खेती बाड़ी करता था वो विलेजर कहाँ पे गया भाई? आज छुट्टी पे है क्या? अच्छा यहाँ पे सो रहा है मस्त एकदम। भाई कोई काम दाम है नहीं तेरे को, तू यहाँ पे सो रहा है मस्त एकदम। चलो उठ मेरे को सोने दे। The next day. गुंडा मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं एक चीज तो भूल ही गया था कि ये तो भिखारियों का विलेज है भाई। यहाँ पे खाने वाने का कोई इंतजाम है ही नहीं लिटरली भाई। यहाँ पे बस एक ही जना खेती करता है जो कि है वो, एंड बाकी सब ये लोग पता नहीं भाई ये क्या खाते हैं भाई। छोड़ो गाइस, जब हम लोग को मतलब पशुओं को मार के ही खाना पड़ेगा भाई मजबूरन। अबे यार, तो सबसे पहले हम लोग इसी पशु को मारते हैं। आजा मेरे राजा तुझे पिक्चर दिखाऊंगी। ये ले। तो इसने मेरे को दिए हैं पूरे 5 आयरन। तो इससे हमारा क्या बनेगा? अच्छा इससे हमारा हेलमेट बन जाएगा ना, बढ़िया भाई। बस अब हम लोग को भाई खाने का इंतजाम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास एक भी टुकड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है। पिग्गू मेरे को थोड़ा सा खाना देगा प्लीज, मैं भूखा हूँ प्लीज, मेरे पापी पेट पालना है। तो चलो गाइस, अब कुछ एनिमल्स ढूंढते हैं और कुछ एनिमल को मार के अपना भोजन का सामान इकट्ठा करते हैं भाई। और क्या ही कर सकते हैं बताओ आप ही लोग। Much later. Okay guys, तो यहाँ पे एनिमल मारते मारते मेरे को यहाँ पे एक रुइन पोर्टल भी मिल चुका है। वाओ यार भाई, मेरे को अचानक से यहाँ पे एक रुइन पोर्टल मिल गया। मैं तो यहाँ पे एनिमल मारने, अबे यार भाई मैंने गोल्ड ब्लॉक तोड़ा, सीधे लावा में गिर गया। व्हाट भाई, यहाँ पे चेस्ट, अच्छा यहाँ पे है। ओके यहाँ पे हम लोग एक फायर चार्ज मिला है। बैक टू वर्क गाइस। भाई यहाँ पे मैं एनिमल मारते मारते बहुत ज्यादा दूर आ गया क्या? यहाँ पे मेरे को एक और पाथवे दिख रहा है, कहीं यहाँ पे एक और विलेज तो नहीं भाई? व्हाट भाई, और हम लोग को एनिमल मारने का तक जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे हम लोग की एक और विलेज मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे भाई सीधे हेवेल लेके और चले जाएंगे डायमंड माइनिंग के लिए। उतने देर से मैं फालतू में एनिमल्स मार रहा था यार। The next day. यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो सबसे पहले अब सुबह सुबह अपना क्रियाक्रम कर देते हैं। 3 भाई, कंजूस भाई। भाई आजकल ये सारे आयरन गोलम एकदम कंजूस हो गए हैं सही में भाई। भाई चलो अब हम लोग सीधे डायमंड माइनिंग पे चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास खाने की कमी तो नहीं होने वाली है। हम लोग इसी केव में चलते हैं, क्योंकि ये केव मेरे को थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एंड यहाँ पे हम लोग को ढेर सारा सामान मिल भी सकता है। एंड यहाँ पे एक परफेक्ट से MLG, एंड अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे हम लोग को रास्ता भी मिल चुका है। ओके यहाँ पे हम लोग को आयरन भी मिल चुका है। तो भाई देखो, अभी के लिए तो हम लोग को आयरन भी चाहिए, तो हम लोग को आयरन भी नहीं छोड़ना है, मतलब थोड़ा बहुत आयरन भी लेना ही है। ओके यहाँ पे जाना है हम लोग को। वाओ नाइस नाइस, यहाँ पे मैं ऐसे, अबे बच गया भाई। भाई वेट भाई, यहाँ पे मेरे को कुछ तो दिखा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसको मारने के बाद। भाई यहाँ पे हम लोग को माइनशाफ्ट मिल चुका है लिटरली भाई, और भाई यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही मस्त सा खुला केव भी मिल चुका है। बढ़िया भाई, यहाँ पे हम लोग को भाई माइनशाफ्ट के साथ साथ एक खुला केव। भाई मैं माइनशाफ्ट भी जाके लूटने वाला हूँ, क्या पता मतलब थोड़े बहुत डायमंड वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। ओके यहाँ पे हम लोग को सस्ता डायमंड भी मिल चुका है, तो अपने डायमंड माइनिंग की शुरुआत पहले सस्ता डायमंड माइनिंग के साथ करते हैं। भाई ये कितना खुला माइनशाफ्ट है, मतलब यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि चेस्ट होगा। यहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट दिख चुका है, एंड यहाँ पे क्या है इस चेस्ट पे, तो इस चेस्ट में मेरे को थोड़े बहुत आयरन मिल चुके हैं, एक आयरन की पिकेक्स मिल चुकी है, एंड यहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत ब्रेड मिल चुके हैं, एंड यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है रेल। सब नीचे चलते हैं गाइस, अब हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो भी हम लोग को मिल गया है। यो गाइस, यहाँ पे हम लोग को डायमंड भी दिख चुके हैं। आराम से मरना नहीं है गाइस, डायमंड देख के पता चला कि डायमंड लेने से पहले मैं ही ऊपर चला गया। 1 2 अरे it was at this moment that he knew he fucked up. भाई नहीं नहीं, अबे यार भाई कितने डायमंड थे पता नहीं यार, बट क्रीपर ने फोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग को 3 ही डायमंड मिले हैं भाई, गंदा क्रीपर भाई यार। ना यहाँ पे मेरे पास शील्ड था कि मैं उसको रोक पाता। व्हाट द हेक भाई, यहाँ पे हम लोग को एंशिएंट सिटी मिल चुका है। अब भाई पॉकेट एडिशन में मेरा क्या हाल हुआ था एंशिएंट सिटी में भाई, वो मेरे को याद है भाई। मैं जाने ही नहीं वाला भाई, नो वे, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, इस तरफ चलते हैं भाई। भाई कितना कुछ है भाई यहाँ पे, मतलब माइनशाफ्ट, एंशिएंट सिटी, डायमंड्स, भाई कितना कुछ है इस केव में भाई। ये तो बहुत ही बड़ा केव लग रहा है मेरे को, और भाई बाहर लग रहा है बारिश हो रही है भाई, बहुत ही खतरनाक वाला थंडर स्टॉर्म आया है बाहर। Thousand years later.
यो तो यहाँ पे हम लोग फुल्ली डायमंड के आर्मर में कवर हो चुके हैं गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और अब भाई कोई भी मॉब हम लोग को नहीं मार सकता सिवाय वार्डन के। एंड अब अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे विलेज की तरफ, क्योंकि वहीं पे मैं अपना घर भी बनाने वाला हूँ। हम लोग काफी प्यारा घर बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जगह साफ करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हम लोग को ढेर सारा सामान कलेक्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट से ढेर सारी लकड़ियां वगैरह कलेक्ट करते हैं जो भी हम लोग को चाहिए इस घर को बनाने के लिए। हम लोग को बस थोड़े से स्प्रूस वुड चाहिए भाई, प्लीज देम दो यार, बस थोड़े से स्प्रूस वुड चाहिए। ओ यहाँ पे हम लोग को डॉग्स मिल चुके हैं, छोड़ो गाइस कुत्ते हम लोग बाद में पाल लेंगे इस जंगल में आके, बट अभी फिलहाल हम लोग को स्प्रूस वुड चाहिए। मिल चुका है गाइस, वहाँ पे हम लोग को स्प्रूस वुड दिख चुका है गाइस, फटाफट से लेके आते हैं। अबे यार हटना भाई। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग को स्प्रूस वुड भी मिल चुका है, तो ये बस हम लोग को बस एक स्टैक के करीब चाहिए, ये हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए। एंड लेट्स गो गाइज, यहाँ पे हमारा एक्स भी टूट चुका है, अब ये एक्स और किसी का नहीं काट पाएगी, मतलब ये खुद ही टूट चुका है। हेलो कुत्तू कैसे हो? अबे नहीं नहीं अबे कुत्तों का झुंड आ गया यहाँ पे। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे रात होने ही वाली है तो अच्छे से रात होने ही देते हैं, उसके बाद मेरे को यहाँ पे स्केलेटन मिलेगा तो वहाँ पे मैं ढेर सारे मतलब वो क्या बोलते हैं हड्डियाँ कलेक्ट कर लूंगा, और इस कुत्ते को तो मैं पाल के ही जाऊंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अबे कहाँ जा रहा है? अबे उधर मत जा भाई, हड्डी दे। एक हड्डी में नहीं मानेगा भाई, देखो अगर नसीब अच्छा हो ना तो मान भी जाता है, नहीं मानेगा। मेरे को पता था भाई मेरा नसीब थोड़ी अच्छा है भाई, एक कुत्ते को पालने के लिए भाई कितना कुछ करना पड़ रहा है लिटरली भाई। जब जब नहीं चाहिए तब कितने सारे आ रहे हैं, मतलब चाहिए अभी भी बट अब इतने भी नहीं चाहिए था, अभी भाई इतने सारे एक साथ नहीं चाहिए थे भाई। अब डोंट टेल मी कि कुत्ता गायब हो चुका है अब सही में। नहीं है भाई, तेरे लिए ही मैंने इतना मेहनत किया। ओके तू हड्डी में ही मान चुका है, चल भाई बैठ मत यहाँ पे, चल अब टाइम आ चुका है, अब मैं सोता हूँ यहाँ पे एंड सुबह चलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके गाइस, तो अब चलिए फटाफट से इस जगह को साफ सुथरा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हमारा घर का आउटलाइन रेडी है, अब हम लोग को क्या करना है, ये पूरा जितना भी आप लोग को दिख रहा है इसके अंदर का एरिया, ये हम लोग को पूरा गायब कर देना है। तो गाइस ये जो हम लोगों ने आउटलाइन बनाया था इसको हम लोग को एक और ब्लॉक डीप ले जाना है, और देखो मैं एक पहले ही बता दूं कि मैंने यहाँ पे आउटलाइन में थोड़ा सा हगा था, तो आप लोग यहाँ पे एक बार आउटलाइन सबसे पहले देख लो, यहाँ पे 7 है, उसके बाद ऐसे जिगजैग पैटर्न 7, उसके बाद जिगजैग, उसके बाद ऐसे 7, उसके बाद ऐसे, एंड यहाँ पे हम लोग को इस टाइप से लगाना है, वो भी मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पूरे में कॉबल स्टोन फिल कर देना है। ओके तो मैंने यहाँ पे पूरे में कॉबल स्टोन फिल कर दिया है, अब हम लोग को देखो कुछ उस टाइप से ही करना है सभी साइड में, लाइक सबसे पहले हम लोग को मिडिल में आना है और यहाँ पे हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5 लगाने हैं ऐसे, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको प्लैंक लगाने हैं। ओके एंड उसके बाद हम लोग को दोनों साइड में लगा देने ओक लॉग कुछ इस टाइप से। अबे यार ऐसे नहीं लगाना था, ये तो मैं हग रहा हूँ, ऐसे भी नहीं लगाना था, ऐसे लगाना था। ओके तो यही पैटर्न हम लोग को पूरे में करना है। ओके गाइस यहाँ पे हमारे चारों कोनों के स्तंभ एकदम रेडी है, अब हम लोग को इनको कुछ इस टाइप से जोड़ देना है, एंड अब हम लोग को यहाँ पे पूरे में स्प्रूज की ये प्लैंक भर देना है। ओके गाइस तो अब हम लोग को उस टाइप के कुछ विंडोज बनाने हैं सभी साइड में, मतलब चारों साइड में बना देने कुछ उस टाइप के विंडोज, एक लाइन छोड़ के हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं प्लैंक, देन हम लोग को चाहिए यहाँ पे स्टेयर्स ऐसे। तो गाइज अब हम लोग बनाने वाले हैं इसका सेकंड फ्लोर, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेंसिंग कर देते हैं पूरे में। ओके गाइज तो यहाँ पे पूरा फेंसिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग को वही सेम प्रोसेस करना है, लाइक यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड अब हम लोग को यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड वही बस सेम करना है।
एंड अब हम लोग को इसको पूरे में डर्ट फिल कर देना है। One eternity later. ओके गाइस, यहाँ पर हमारा प्यारा सा घर बन के रेडी है। पर देखो लाइक ये बाहर से तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से अभी मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ डेकोरेशन किया नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास उतना कुछ सामान था नहीं। तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट मिल जाएगा, एक क्राफ्टिंग टेबल एंड यहाँ पे थोड़े बहुत फर्नेस एंड यहाँ पे दो डबल मतलब एक डबल चेस्ट एंड यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा बेडरूम आ गया एंड यहाँ से हम लोग एक मस्त सा व्यू ले सकते हैं। ये हमारी बालकनी विद रूम हो गया एंड यहाँ से भी हम व्यू ले सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चेस्ट लगी है एंड यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल लगी है एंड यहाँ पे बस एक हमारा बेड लगा हुआ है और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा खेत है जहाँ पे एक वीट भी उग चुकी है। ओके गाइस, तो यही था हमारा प्यारा सा घर। आप लोग को कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट में जाके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।